करते हैं कि स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल गुमक्का इंडियंस में। तो ये लगाते हैं इसमें थोड़ा बटर, चटनी, अच्छा। तो भाई परांठे को देख के लग रहा है कि एक बंदे की बस की तो है नहीं, अगर आपकी डाइट काफ़ी अच्छी है तब आप ये एक परांठा खा सकते हो। बाकी हम तीन बंदे लग रहे हैं इस परांठे में खाने में और काफ़ी होगा हमारे लिए। तो लोकेशन वगैरह का सारी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो भाई कैसा परांठा? अभी सीलू कैसा परांठा? घर के जैसा टेस्ट आ रहा है। ये आप तंदूर में रखते हो, जब ऑर्डर आता है तंदूर से निकाल के चाय में डालते ये हो? पहले ऑलरेडी रखा जाता है, ऑर्डर रखा जाता है। तो पर्पस क्या होता है, मतलब क्यों क्या होता है भैया? ये होता है ना कुल्लड़ होता है, इसमें नेचुरल कैल्शियम होता है मिट्टी में, और ये अपना फ्लेवर छोड़ती है इसमें, मतलब बहुत जबरदस्त इसमें फ्लेवर आता है और चाय गाढ़ी हो जाती है इससे। चाय फिर उसमें अब ये कुल्हड़ में ही सर्व करते हैं दोबारा? हाँ कुल्हड़ में सर्व करते हैं, ये दूसरा कुल्हड़ है, वो दूसरा कुल्हड़ है। अच्छा आपने देखा ना वो छोटा कुल्हड़ है? बहुत अच्छी, पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे?
फर्स्ट टाइम आए, कैसी लगी आपको चाय? जो नॉर्मल चाय पीते रहे इतने सालों से, हाँ डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोबारा दोबारा आएंगे यहाँ पे? छोले और वो शुरू नहीं है कड़ी, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये राजमा है हमारे। देखने में यार बड़ा सही लग रहा है, स्मेल भी मेरे को खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। शाही पनीर है ये, शाही पनीर है जैसे ये हमारा जनरली इसमें ये पनीर होता है। अच्छा, काफ़ी बड़ा साइज का पनीर है ये, जैसे हमारा दाल मखनी है। अच्छा, दाल मखनी जी। ये हमारा पालक पनीर है, पालक पनीर जी। तो इसमें क्या पनीर है, ब्रेड है? बड़ा ये पनीर है भैया, बहुत ज़्यादा ही बड़ा पीस लग रहा है हमारे ब्रेड साइज का। ये चावल चावल पुलाव, पुलाव नहीं है भैया, पुलाव चावल फ्राई हो गया। ठीक है, उनका क्या प्राइस है भैया? जो अपना आलू प्याज वाला है, हाँ वो 50 रुपये, हाँ पनीर प्याज वाला भी है वो 70 रुपये। और भैया एक हमारा स्पेशल परांठा टोके, टोके सब चीज़ टोके होती है, तो उसका क्या प्राइस है? वो 90 रुपये का भैया, 90 रुपये का है, 100 ग्राम अमूल बटर होता है। ओके, और बाकी और भी कई चीज़ें होती है, स्टफिंग बहुत अच्छी होती है भैया। बाकी आपका जो मेन आइटम है वो 1.5 फुट का पराठा? नहीं, मेन आइटम भैया तंदूरी चाय भी है। हाँ तंदूरी चाय यार आपकी बहुत सही थी, मैंने पी, बहुत सही थी, अलग ही टेस्ट था। ये तो अभी हमने लास्ट संडे से स्टार्ट किया है 16 से, और जो हमारा दूसरा वाला है ईपी चौक वाला, उसको लगभग 2 साल के करीब हो गए। उसकी गूगल पे देसी पंजाबी तड़का आप सेक्टर 2 डालोगे तो लोकेशन भी है अवेलेबल। कहाँ पे है बाईपास में वो? IMT चौक के पास, सेक्टर 2 IMT चौक के पास। अगर वहाँ पे कोई जाना चाहे कैसे जा पाएगा? गूगल पे उसकी लोकेशन भी है, और दूसरा ये बड़ा परांठा जो यहाँ पे लगा हुआ है, एक उसकी लैंडमार्क पे लगा हुआ है बड़ा परांठा। ओके, और यहाँ पे अगर किसी को आना है तो कैसे आएगा इस वाले स्टॉल पे आपके? नियर सनी हॉस्पिटल, 10-11 की डिवाइड। और टाइमिंग क्या है आपकी? सुबह आठ से पाँच। ठीक है भैया। तो भाई पंजाबी तड़का के परांठे हम खा के आए, तो उन्होंने यार बेसिकली 50 रुपये का परांठा दिया यार। हमने चाय ट्राई करी, परांठा ट्राई करा, बिल्कुल यार मैं बोलूँगा बिल्कुल जेन्युइन प्राइस था उनका। 50 रुपये में अगर आपको इतना बड़ा परांठा मिलता ना कहीं, तो मेरे मुँह से पड़वा दे रहा भाई। बाकी प्राइस बड़े जेन्युइन थे उनके, और फूड जो उनका था उसका क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उसकी जो खुशबू थी यार, बहुत अच्छी उसकी खुशबू थी, मतलब प्योर हाइजीन, कोई गंदगी नहीं। पर्सनली रिकमेंडेड करता हूँ, मतलब अभी तक की जितनी मैंने वीडियोज़ आई हैं, समय सबसे बेस्ट जगह मेरे को ये लगी। क्योंकि यार एक तो उनका प्राइस बहुत बेसिक 10-11 सेक्टर जैसी मार्केट में, अगर कोई इतने जेन्युइन प्राइस लेता है वो भी ऐसी जगह पे, इनका मतलब प्राइम लोकेशन में इनकी शॉप है, और ऐसी शॉप ऐसी जगह पे कोई इतने कम प्राइस पे देता है, तो यार आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और बाकी यार आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी और आप वीडियो बनाएं, तो आपको क्या करना है आपको बताइए कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में आपको आप बता सकते हैं अगर आपको कोई ऐसी लोकेशन पता है या ऐसी कोई जगह फूड स्टॉल पता है जो कि काफ़ी अच्छे प्राइस में या काफ़ी अच्छी क्वालिटी का खाना प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ यूनिक को प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप हमको बताइए, हम आपके लिए या अपने लिए, अपने चैनल के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए वो वीडियो बनाएंगे।